इसमें अस्सलाम वालेकुम यहाँ पर आपको कि मैं शुरू में एक ट्वीट दिखा रहा हूँ आप देख जी इसमें लिखा हुआ है सज्जन मुतद खमस्ता गाम या तसल मिलियन रियाल ठीक है जी पंद्रह साल कैद और मिलियन रियाल का जुर्माना यानी कि दस लाख रियाल का जुर्माना अभी ये किनको होगा ये मैं इस चीज़ इस वीडियो में ये क्लियर करूँगा और प्रदेशियों के लिए खास है जी इसमें कुछ बातें जो आपके साथ मैं बोला थोड़ी डिटेल के साथ शेयर कर दूँ एहतियात कीजिएगा यार दस लाख नहीं तो चलो हमारे ऊपर तो भाई दस हज़ार के ग्राम हो जाए हम तो वो नहीं दे सकते पंद्रह साल का पंद्रह साल कैद को छोड़ें पंद्रह दिन जेल में गुजारने पड़ जाए ना तो वो ही मुश्किल हो जाते हैं फैमिली पीछे से इतनी परेशान हो जाती हैं पंद्रह दिन ही गुजरते हैं जो एक एक्सपायर हो पकड़ाई दे दें या हरूब की सूरत में पकड़ाई दे दें ये पाकिस्तान जाने के लिए जो डीपोर्ट होते हैं आपको पता है दस से पंद्रह दिन जेल में रखा जाता है और उसके बाद डीपोर्ट कर दिया जाता है यानी कि इन, इन इन दिनों के अंदर अंदर ही डीपोर्ट कर दिया जाता है तो दस से पंद्रह दिन होते हैं ये और दस से पंद्रह दिन से आप अंदाज़ा कर कि वो कैसे जेल में गुजारे जाते हैं और फैमिलीज़ पीछे कितनी परेशान होती हैं और ये जो चीज़ है ये तो फिर माशाल्लाह क्या कहने पंद्रह साल कैद और दस लाख रियाल का जुर्माना अच्छा होगा ये जी कि तो कोई भी बंदा आपको मिलता है मिसाल के तौर पर आप जद्दा में रह रहे हैं रियाज में रह रहे हैं दमाम में यार किसी भी शहर में रह रहे हैं वैसे मैं जजान से आगे सभिया सभी से आगे हिदाप भी टॉप ऑफ दीफा इन इलाकों में गुजार रह चुका हूँ और तमाम बहुत सी वीडियो आपके साथ इन इलाकों से यानी कि लाइव शेयर कर चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं बहुत खूबसूरत इलाके हैं वहाँ पर कुछ भाई जो रहते हैं जजान मुतका जजान एरिया ठीक है उनके लिए ज़्यादा होता है ये ये जो मैं आपको बता, अभी न्यूज़ बताने वाला उन वो ज्यादा इस जुमरे में आते हैं उसकी रीज़न क्या है उसकी रीज़न ये है कि कोई भी बंदा आपको मिल जाता है चाहे पाकिस्तानी है चाहे यमनी है चाहे है चाहे किसी भी कंट्री का है यार वो बोलता है जी कि आपको मिल गया आप जानते नहीं है वो बोलता है जी कि भाई मुझे यार यार आपकी सलाम दुआ होगी या आपके दोस्त है या आपके दोस्त के थ्रू उसकी सलाम दुआ होगी या किसी भी रीजन को लेकर आपकी उससे गपशप थोड़ी बहुत होगी आप इकट्ठे काम कर रहे हैं तो वो आपको बोल देता है यार भाई मुझे मेरे मेरा ये काम है नहीं बना तो मुझे एक सिम ले दें ठीक है आप उसे सिम ले कर दे देते हैं या वो बोलता है मुझे रहायश पर रख लें यार मेरे पास राहश नहीं है मैं आपको किराया दे दू करूँगा आप उसे रहाइश पर रख लेते हैं ठीक है हाँ इकामा उसके पास ना हो वो एक अलग बात है हाँ इकामा एक्सपायर इकामा एक्सपायर हो फिर तो छुर्ता पकड़ता छोड़ देता है पाँच सौ का फाइन करके ए, और अगर इकामा ना हो तो बंदा पकड़ा जाए तो फिर तकरीबन दस हज़ार तक वो फ़ाइन कर सकते हैं ठीक है अगर इकामा ना हो वो दस हज़ार तक का फाइन होगा और वो उस बंदा उनकी कस्टडी में आ जाएगा यानी कि वो उसे पकड़ लेंगे आपको फिर भी नहीं कुछ बोलेंगे हाँ इस सूरत में आपके ऊपर पंद्रह साल कैद और वन मिलियन यानी कि दस लाख रियाल का जुर्माना होगा किस सूरत में अगर कोई भी बंदा ऐसा पकड़ा जाता है आपने कोई भी किसी किस्म की उसकी हेल्प की हुई है मिसाल के तौर पर आपने उसे टैक्सी फ्राह्म की आपने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया हुआ है आपने उसको अपने साथ काम में लगाया हुआ है आप उसको अपने साथ दिहाड़ी पर लेकर जाते हैं आपने उसको अपनी रहायश में रखा हुआ है आपने उसको सिम लेकर दी हुई है अपने नाम से ठीक है तो आप इसी कैटेगरी में आएंगे यानी कि पंद्रह साल कैद और दस लाख रियाल का जुर्माना कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास पा पासपोर्ट भी ना हो और इकामा भी ना हो यानी कि अगर उसके पास पास पासपोर्ट हो भी तो ऐसा बंदा जो सऊदी अरेबिया में लीगल तरीके से ना आया हो यानी कि इनलीगल तरीके से सऊदी अरेबिया में इंटर हो चुका हो तो चाहे दुबई का रास्ता चाहे यमन का रास्ता चाहे कोई भी रास्ता है वो किसी भी रास्ते से सऊदी अरेबिया में पहुंच चुका है वो और वो उसके पास कोई प्रूफ नहीं है यानी कि वो एयरपोर्ट के थ्रू नहीं है उसका रिकॉर्ड वगैरह जवादात में सेफ नहीं है वो बंदा इलीगल है वो ऐसा बंदा कोई भी पकड़ा जाता है। उसकी सपोर्ट करने वाला कोई भी उसके साथ है जो वो भी भाई साथ में रगड़ा जाएगा और उसके ऊपर साल पंद्रह सॉरी पंद्रह साल कैद और दस लाख का जमाना है तो तमाम प्रदेशी भाई ऐसी किसी भी रिस्क से यार दूरी रहिएगा कोई भी अगर आपका जाने वाला दोस्त है तो उसके पास एक ठीक है ठीक तो है ईगामा एक्सपायर है एक अलग चीज है लेकिन ईगामा है ही नहीं और लीगल तरीके से वो बंदा सोते में इंटरवनी हुआ है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है